वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला इज डेडिकेटेड फॉर 10th क्लास स्टूडेंट और टुडेज क्लास इज फॉर एमसीक्यू क्लास और पीवाईक्यू क्लास और ये संडे से संडे चलती है। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे रिस्पायरेशन के पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो काम करना चाहते हैं उसे करिए और इस तरीके से आप प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज की पाठशाला की टॉपिक की बात करें, डेट इज एमसीक्यू क्लास और पीवाईक्यूज क्लास और ये रिस्पायरेशन की। चलिए, इसमें पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे पीवाईक्यूज बनता है वो क्या है, देखिए, श्वास नली जो होती है वृक्ष गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है और इन शाखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। तो श्वास नली जो होती है ट्रैकिया आगे चल करके दो इस तरीके से होती, आगे चल के दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकाई अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ब्रोंकाई जो होते हैं आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। आगे देखिए, मनुष्य एक मिनट में, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 से 15 बार सांस लेता है और सांस में नीच श्वसन 2 सेकंड का, उच्च श्वसन क्या होता है 3 सेकंड लगते हैं। बच्चों में ये 44 बार, नवजात शिशु में 60 बार प्रति मिनट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। खांसना एक आवश्यक तंत्र की नियंत्रण होने में प्रतिवर्ती क्रिया होती है और छींकना भी एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो याद रखिएगा, दोनों ही प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं और ये बहुत जरूरी है। फेफड़ों की वायु कूपिकाएं एल्वियोलाई की दीवार में मैक्रोफेजेस या फैगोसाइटोसिस सेल्स होती हैं ताकि ये कोई भी बैक्टीरिया अगर आए तो उसको मार गिराए। तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अंतःश्वसन में ली गई उस श्वसन में निकली गई वायु की प्रभावी या टाइडल एयर तथा इसकी मात्रा के प्रभावी आयतन टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और इसका आयतन क्या होता है बेटा बच्चों? 500 ml। याद रखिएगा, 500 ml होता है। आगे देखिए, वायु की वह मात्रा जो एक बार में अंतःश्वास द्वारा फेफड़ों में ग्रहण कर सकते हैं वो बेटा कितनी होती? 3500 ml होती बच्चों। कितनी होती? 3500 ml। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़ों से वायु निकालने के लिए के पश्चात कुछ वायु की मात्रा फेफड़ों में बची रहती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? अवशेष वायु बोलते हैं, वेस्टिजियल एयर बोलते हैं। और ये लगभग कितनी होती है? 1200 ml। ये कितनी होती है बच्चों? 1200 ml। ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेफड़ों में गैसीय विनिमय सिंपल डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसे याद रखिएगा। वायु कोष्ठों में रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और गैसों का विनिमय वायु कोष्ठों की वायु तथा रक्त कोशिकाओं के मध्य होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि वायु के कोष्ठों में रक्त कोशिकाओं का एक जाल जैसी संरचना फैली रहती है और गैसों का विनिमय वायु कोष्ठों की वायु और रक्त कोशिकाओं के मध्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, जिसे HBV बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में एक लौह युक्त श्वसन वर्णक होता है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि कौन सा वर्णक पाया था? तो लौह युक्त श्वसन वर्णक होता है। आगे देखिए, जैसे जैसे रक्त का पीएच कम होता है रक्त से वायु कूपिकाओं में अधिक CO2 मुक्त होती है। तो पीएच जब कम होता है CO2 अधिक मुक्त होती है, ओके, तथा अधिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, तभी क्या बनती है? HbO2 जो बेटा होता है बहुत ज्यादा बनता है। और ये ऊतकों में यह क्रिया कैसे होती? उल्टी दिशा में, तो जस्ट वाइस वर्सा होती। इसको क्या बोलते हैं? इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और अगर आगे की बात करें, और इसका ये क्वेश्चन इस तरीके से, देखिए, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का चक्र जो होता है बेटा कोशिका द्रव्य में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लास्ट में 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, ग्लाइकोलिसिस के समय ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये जो प्रोसेस बेटा होता है बैक्टीरिया में होता है। कहाँ होता है? बैक्टीरिया में होता है। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? अनॉक्सी श्वसन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन है, बात याद रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या बनता है? देखो, मैंने अभी बताया बेटा, ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन, ठीक है, बात याद रखना। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोशिकीय श्वसन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें क्रेब साइकिल होती है। कौन सी साइकिल होती है बेटा? क्रेब साइकिल होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आगे देखिए, ट्राई कार्बोसिलिक चक्र की खोज किसने की थी? अरे बेटा, ट्राई कार्बोसिलिक की खोज क्रेब्स ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तभी तो क्रेब्स चक्र में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, अवायवीय और वायवीय श्वसन में कौन सा पद समान होता है? तो वायवीय या अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस चक्र
क्या होता है, सामान्य होता है। अच्छा देखिए, कोशिका में बिजलीघर जहां प्रचुर मात्रा में कैटाबोलिक एंजाइम होते हैं कहलाता है बिजलीघर, कहो पावर हाउस ऑफ द सेल कहो, एक ही मतलब है ना, उसे क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे क्रेव चक्र पूरा होता है। आगे देखिए बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक। कोशिका अंगक जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र व ऑक्सीडेटिव फास्फोराइजेशन होता है, वो कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखिए क्रेव चक्र का महत्व होता है, क्रेव चक्र का महत्व होता है। तो ऑक्सीकारक फास्फोराइजेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण भाई इसमें होता है। कितने एटीपी होते हैं, मतलब 38 एटीपी बनते हैं, ठीक, ये बात याद रखोगे। अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है, तो अवायवीय श्वसन में एनरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। आगे देखिए श्वसन के समय बच्चों फास्फेट ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किस पद में बनती है, तो क्रेव चक्र में बनती है। किसमें बनती है, क्रेव चक्र में बनती है। खरगोश का कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है, तो इंटरकास्टल पेशियां जो होती हैं वो खरगोश जो होता है बच्चों उसमें क्या करते हैं, श्वसन में काम करते हैं। निश्वसन की अवस्था में डायफ्राम क्या होता है बेटा, सिकुड़ता है। क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है, वॉल्यूम कम होता है। आगे देखिए गहरे निश्वसन के बाद फेफड़ों का अधिकतम निश्वसन कहलाता है सजीव क्षमता। क्या कहलाता है, सजीव क्षमता। आगे देखिए श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है बेटा, श्वसन केंद्र कहाँ, मेड्यूला में स्थित होता है, मतलब मेड्यूला के द्वारा श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है। आगे देखिए जैविक ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो एटीपी के रूप में होती है और 38 एटीपी हमें मिलते हैं। आगे देखिए एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, अभी बताया मैंने 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। और आगे जाइए स्तनियों में प्रभावी वायु होती, श्वसन के समय साधारण वायु की मात्रा जो अंदर भरती है या बाहर भरती है उसे प्रभावी वायु कहते हैं। क्रेव चक्र के अंतिम उत्पाद में क्या बनता है, तो क्रेव चक्र के अंतिम उत्पाद में यहाँ गलत क्या है, ये होता है पाइरूविक एसिड बनता है। आगे देखिए यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में, एक मिनट देखिए ये क्वेश्चन देखिए फिर से, यहाँ पे पूछा गया 19 नंबर, क्रेव चक्र के अंतिम उत्पाद में क्या परिवर्तित होता है, तो बेसिकली ये जो एंजाइम, ये जो क्रिया होती है इसमें ये मैलिक एसिड होता है। क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। तो ये पाइरूविक एसिड जो होता है बेटा वो ग्लाइकोलिसिस का होता है, ठीक, सही लगा हुआ था इसमें टिक। और जो क्रेव चक्र का होता है वो मैलिक एसिड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और हम इसकी साइकिल बता देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, शायद मैंने बताई भी है, आप लोग श्वसन में चेक करिएगा। यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड शीघ्रता से समायोजित हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का 250 गुना क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना खतरनाक है, इसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं। साइट्रिक अम्ल चक्र में पाइरूविक अम्ल ऑक्सैलिक से पूर्व किसमें परिवर्तित होता है, तो एसिटिल कोए एंजाइम। बिना एसिटिल कोई एंजाइम बने कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि पाइरूविक एसिड ही नहीं बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रुधिर के किस रूप में होती, तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में क्या होती, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है। सबसे कम श्वसन दर कब होती, भाई सोते समय सबसे कम श्वसन दर होती। आगे देखिए स्तनी के फेफड़ों में प्रभावी आयतन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों स्तनी के फेफड़ों में प्रभावी आयतन वह आयतन होता है जिसमें वायु की वह मात्रा साधारण साक्षोपास के समय भीतर ली जा सके, ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन वर्णक होता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ के श्वसन वर्णक होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जब कलरलेस हो जाता है तो उसका क्या जो कलर होता है कैसा होता है, व्हाइट या ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और हीमोसाइनिन अगर कलरफुल है तो वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ये ब्लू कलर वाला किसमें पाया जाता है बच्चों, वो मोलस्का में होता है। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो श्वसन क्रिया शरीर की समस्त कोशिकाओं में सम्मिलित होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे होती है ब्रीथिंग, सांस लेना, तो ये गलत है, श्वसन और सांस लेना में अंतर होता है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है जिसमें O2 प्रत्येक सेल को मिलता है, ये कहाँ होती है बच्चों, ये शरीर की समस्त कोशिकाओं में होती है। आगे देखिए ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का संयोजन निर्भर होता है भाई रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ये लगभग मिलती है
686,000 कैलोरी, 686,000 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन कैस्केड में बनते हैं, मतलब श्वसन कैस्केड में कितने अणु बनते हैं, तो श्वसन के कैस्केड में 6 ATP अणु बनते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे 2 ATP से ADP बन रहा है, तो आपको 6 अणु कुल वहां पे मिलेंगे। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन के द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 97%। 97% क्या होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। 10 मिनट पूरे होने वाले हैं बेटा एपी वाइज क्यूज के। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि आपको इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाठशाला का मिल सके। और बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे पूछिए और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।